धोती सलवार को सिलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेल्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये बेल्ट हमने 28 इंच की काटी हुई है, इसको हम दोनों साइड से स्टिच लगा लेंगे। इसके अंदर मैंने लास्टिक लगाना है, तो इसलिए हम ऊपर से इसका नेफा नहीं मोड़ेंगे, इसके अंदर बाद में मैं लास्टिक को डाल लूँगा। तो इसके बाद में हम इसके आसन की सिलाई को लगाएंगे। इसका आसन जो रखा है वो रखा है मैंने 13.5 इंच का, और 5 इंच के ऊपर बेल्ट आ जाएगी 18.5 इंच, क्योंकि धोती सलवार का जो आसन होता है वो बड़ा होता है। अब दोनों साइड से आसन की कटिंग कर लेंगे, वो कर लेंगे हम आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने आसन को सिल लिया है। इसके बाद में हम इसके अंदर बॉक्स प्लेट डालेंगे, जो बैक के अंदर सलवार के अंदर डलती है जैसे बॉक्स प्लेट, इससे जो हमारी सलवार है उठने बैठने में कभी भी फटती नहीं है। बॉक्स प्लेट डालने के बाद में बेल्ट को हम बैक से थोड़ा सा स्टिच कर देंगे। बेल्ट के 4 हिस्से बना लेना, एक हिस्सा फ्रंट के अंदर आएगा और एक हिस्सा बैक के अंदर आएगा, दोनों हिस्से बाकी बचे हुए साइड के ऊपर आएंगे। ये थोड़ा सा हमने 3 से 3.5 इंच तक स्टिच कर दिया है। उसके बाद में हम इसकी फ्रंट को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट को स्टिच करने के लिए इसको हम 4 इंच तक कोई भी प्लेट नहीं डालेंगे। साइड से जब हम स्टिच करेंगे सेंटर से सिलाई लगाने के बाद में, तो 4 इंच तक हम कोई भी प्लेट नहीं डालेंगे, और 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ने के बाद में हम इसकी प्लेट डालना शुरू कर देंगे। नॉर्मल सलवार के अंदर हम क्या करते हैं कि जहाँ से बेल्ट शुरू हुई सेंटर से वहीं से प्लेट डालते जाते हैं। जब धोती सलवार होती है तो उसके अंदर दोनों साइड से 4-4 इंच को हमने छोड़ देना है, और उसके बाद में इसकी प्लेट डालनी शुरू करनी है। जैसे सलवार के अंदर प्लेट डालते हैं वैसे ही हम प्लेट डालते हुए चलेंगे इसके अंदर भी। ये मैंने सलवार के अंदर बेल्ट लगा लिया। अब नीचे से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 7 इंच की जगह छोड़ देंगे नीचे से, और उसके बाद में हम इसकी आसन तक सिलाई लगा लेंगे नीचे से 7 इंच का मार्जिन छोड़कर। एक साइड से आसन की सिलाई मैंने लगा ली है, अब ये दूसरी साइड से भी हम 7 इंच का मार्जिन करके नीचे से, और उसके बाद में पैर पैर की सिलाई लगाते हुए। ये हमारी धोती सलवार तैयार है।